नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और ये चल रही है हमारी सीरीज लेवल 5.2 फ्रेमवर्क की। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाटाबेस माइग्रेशंस की। तो लेवल में डाटाबेस माइग्रेशंस की फैसिलिटी आपको मिलती है। माइग्रेशंस बेसिकली क्या होती हैं? माइग्रेशंस होती हैं दोस्तों, जो हम डाटाबेस स्कीमा बनाते हैं, जो उसकी टेबल्स क्रिएट करते हैं, उसमें कौन कौन से फील्ड आएंगे, किस टाइप के आएंगे वगैरह वगैरह, वो सब हम डायरेक्टली डाटाबेस में नहीं बना के, क्योंकि अभी अगर आप माइग्रेशन यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि आप कोई एक क्लाइंट यूज़ करके, मान लो पीएचपी माय एडमिन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या मैं सीक्वल को यूज़ करता हूँ, या फिर कोई क्लाइंट यूज़ किए बिना भी कोई ऐसा भी हो सकता है जो डायरेक्टली डाटाबेस सर्वर में लॉग इन करके और कमांड लाइन से काम करता हो। जो भी है, आप इंटरेक्शन कर रहे हो डायरेक्टली डाटाबेस के साथ कर रहे हो, वहाँ पे आप डाटाबेस क्रिएट करते हो, उसमें टेबल क्रिएट करते हो, फील्ड्स डिफाइन करते हो, कॉलम्स कौन क्या नाम होगा, किस टाइप का होगा वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो जो माइग्रेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें आप लोग डायरेक्टली डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो। उसमें आप लोग अपने जो भी आपने टेबल्स बनानी है, उसमें जो कॉलम्स बनाने हैं, वो आप अपने पीएचपी कोड में लिखते हो, और वो कोड के थ्रू, मतलब उस कोड को आप रन करते हो और आपके डाटाबेस में वो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो करते हैं क्यों हम लोग, बेसिकली देखिए, जो इसका एक मेन पर्पस होता है वो होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, एक आप काम कर रहे हो, एक दूसरा डेवलपर काम कर रहा है, एक तीसरा डेवलपर काम कर रहा है ना, तो सबके डाटाबेस जो हैं वो आपस में सिंक में रहने चाहिए। अगर आपने कॉलम में नाम चेंज किया यहाँ पे, तो वो बाकी सबके पास भी होना चाहिए, किसी दूसरे ने किया तो आपके पास भी होना चाहिए, है ना। तो एक तो वो चीज़ है सबसे मेन। दूसरा ये होता है कि आपने जो अपने पास स्कीमा क्रिएट की अपने लोकल होस्ट पे, वही स्कीमा आपको रिप्लिकेट करनी है कभी आपके प्रोडक्शन सर्वर पे, जब आप उसको लाइव करोगे एप्लीकेशन को, तो लाइव सर्वर के ऊपर भी वो सेम स्कीमा होनी चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद मान लीजिए कभी आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई नया कॉलम ऐड करना है, या पहले वाले को ड्रॉप करना है, या किसी का नाम चेंज करना है, या डाटा टाइप चेंज करना है, कोई नई टेबल क्रिएट करनी है, कुछ भी करना है, कोई भी चेंज आपको डाटाबेस में करना है, है ना, तो उसमें आपको हेल्प करता है। और फिर उससे ज़्यादा हेल्प कब करता है कि कभी आपके मन में आया कि मन में क्या आया, ये मन में आने वाली बात नहीं होती वैसे, कि आपने कोई उसमें चेंज किया और वो आपको सूट नहीं किया डाटाबेस में, है ना। आपने कोई एक टेबल क्रिएट की, दूसरी में उसका कॉलम चेंज किया, तीसरी में नाम चेंज किया, डाटा टाइप चेंज किया, चौथी में एक नया कॉलम ऐड किया, पहले वाला ड्रॉप किया, कोई आपने मल्टीपल चेंजेस किए, है ना। और उसके बाद आपको कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी कि नहीं आपको पहले जैसा था वैसा ही करना है, तो आप क्या करोगे, या तो आप वो सारा कुछ नोट करके रखो कि हमने क्या क्या चेंज किया था, और फिर वापस से उसको वैसे ही करो। तो उससे अच्छा है कि आप माइग्रेशंस यूज़ करो, आपको सिर्फ एक कमांड रन करनी है और वो वापस पहले जैसा हो जाएगा, और फिर से दोबारा लगा कि नहीं यार वैसे ही ठीक था, तो आप वापस फिर एक कमांड से फिर से आगे जा सकते हो जहाँ से आप वापस आ गए हो। तो इस तरह के फ़ायदे होते हैं इसके। वो लेवल में हम यूज़ कैसे करते हैं, और काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स में है, कोऑर्डिनेटर में माइग्रेशंस नहीं है लेकिन डाटाबेस से डील करने की यूटिलिटीज़ हैं। अगर आपने टेबल क्रिएट करनी है उसके थ्रू, हालांकि मैंने सीरीज़ में कवर नहीं किया था, अभी कई दिन से सोच रहा हूँ करना चाहिए, मुझे टाइम ही नहीं लगता। तो जो आपके नए फ्रेम जैसे कि एक पीएचपी में है, आपके सिम्फनी में है, तो जो अच्छे लेवल पे अभी हो गए हैं फ्रेमवर्क्स जो नए फीचर्स के साथ आ रहे हैं, उनमें सब में आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, होता क्या है, बेसिकली एक क्लास होती है। आप अगर मैं अपना नेविगेशन पैनल को होता हूँ, यहाँ पे आपको डाटाबेस का फोल्डर है, जो आपका आपकी एप्लीकेशन के अंदर डाटाबेस का फोल्डर है यहाँ पे प्रोजेक्ट में, और उसमें आपको एक माइग्रेशंस की डायरेक्टरी, माइग्रेशंस का फोल्डर है। इस माइग्रेशंस के फोल्डर के अंदर आप अपनी जितनी भी माइग्रेशंस हैं वो रखते हो, ठीक है। जब आपने इंस्टॉल किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट की हुई हैं, जिसमें एक आपकी पहले टाइम स्टैम्प है 2014, 10, 12, ये जब बना होगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट यूजर्स टेबल, ये फाइल खुली है, मैं बाकी फाइल्स अभी बंद कर देता हूँ। मेरा एडमिन कंट्रोलर, रूट्स, चाइल्ड, टेस्ट, ठीक है, ये फाइल खुली हुई है क्रिएट यूजर्स टेबल। इसका नाम है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर। उसके बाद इसमें काफ़ी सारा कोड है, ये आपको समझ आ जाएगा, वैसे तो कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। अगर आपको ऊप्स क्लियर हैं तभी आप फ्रेमवर्क कर रहे हो, और ऊप्स के अलावा इसमें कुछ होता नहीं है, है ना। तो ये यहाँ पे दो यूज स्टेटमेंट्स हैं, ये दो क्लासेस हमें यहाँ पे चाहिए, ब्लूप्रिंट और माइग्रेशन, ठीक है। फिर हम अपनी नई क्लास क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट यूज़र टेबल,
यूजर्स टेबल सॉरी, और ये एक्सटेंड कर रही है माइग्रेशन को, ठीक है। उसमें हमने दो फंक्शंस बनाए हैं, एक फंक्शन अप एक फंक्शन डाउन, ठीक है। ये दो फंक्शंस में ही काम होता है बेसिकली। जो आपको बनाना है जब आप माइग्रेशन रन करोगे, जब आपने नई टेबल क्रिएट करनी है या फिर कोई नया कॉलम ऐड करना है, जो भी आपने चेंज भी अगर अभी कुछ करना है, जो आपको नया करना है वो आप इसमें रखते हो अप में। और इसका बिल्कुल उल्टा, मैं इसको अभी हाइड कर देता हूँ, बिल्कुल रिवर्स वो आप डाउन में करते हो। यानी कि जब आप रोल बैक करोगे, आप उसको रिवर्स करोगे, तो वो जो जो होना चाहिए इसका बिल्कुल उल्टा वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। जैसे इस वाली माइग्रेशन में आप देखो, बहुत सिंपल सी है, एक यूज़र्स की टेबल क्रिएट कर रहा है। लेवल आपको बाय डिफॉल्ट ये माइग्रेशन बना के देता है, क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यूज़र्स की टेबल तो होगी, उसमें यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल वगैरह वगैरह तो सबको चाहिए होता है ना, तो वो ये क्रिएट करके ऑलरेडी देता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ जाके इस फाइल को डिलीट कर दो, कुछ भी नहीं करना उसमें हमने, ठीक है। और कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, उससे ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि इसने बना के दिया बाय डिफॉल्ट तो ये हमें रखना है, ऐसा ही चलाना है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक एज अ सैम्पल उन्होंने दिया, आपको चाहिए तो रखो नहीं तो डिलीट कर दो, या कुछ चेंज करना है तो कर लो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये क्या कर रहा है, स्कीमा क्रिएट, एक नई टेबल क्रिएट कर रहा है यूज़र्स नाम की। ये दूसरा पैरामीटर लेता है एक क्लोज़र फंक्शन, ठीक है। इसमें इस फंक्शन को एक आपका पैरामीटर रिसीव होता है, जो कि ब्लूप्रिंट टेबल का, ब्लूप्रिंट क्लास का सॉरी इंस्टेंस होता है, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट जो है ये टेबल क्रिएट करती है आपकी, ये आप टेबल का ब्लूप्रिंट बना रहे हो, ये लगा लो किसी भी चीज़ का, किसी का प्लान का ब्लूप्रिंट होता है ना, ये इस टेबल का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो इसमें इस ऑब्जेक्ट पे आपको बहुत सारे मेथड मिलते हैं जो कि आप कॉलम्स के लिए यूज़ कर सकते हो, किस टाइप का कॉलम बनाना है आपने, क्या करना है, वो सब यहाँ देते हो आपको। जो जो कॉलम बनाने हैं वो आप यहाँ डिफाइन करते हो। जैसे इंक्रीमेंट्स है, ये स्पेशल स्पेशल टाइप का, स्पेशल इन द सेंस जैसे हम लोग क्रिएट टेबल करते हैं ना, टेबल क्रिएट इंटीजर अनसाइंड ऑटो इंक्रीमेंट, ये तीन मिला के ये इंक्रीमेंट्स बनता है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रिंग है, ये बेसिकली वैर कैप टाइप की होती है। इसका नाम, इसमें जो पैरामीटर दे रहे हो वो कॉलम का नाम है, नेम नाम का कॉलम बनेगा जो कि वैर कैट 255 टाइप का होगा, ठीक है। ये आईडी नाम का कॉलम बनेगा जो इंटीजर अनसाइंड ऑटो इंक्रीमेंट होगा, या फिर ये ईमेल है स्ट्रिंग, और ये उस पर यूनिक भी लगा देगा ताकि वो कॉलम जो है यूनिक रहेगा, उसमें एक ईमेल एड्रेस दो बार नहीं आ सकता, ठीक है। ये पासवर्ड आ गया, ये 255 नहीं होगा, ये 60 करेक्टर्स का होगा, वैर कैट होगा 60 करेक्टर्स का, ठीक है। ये रिमेंबर टोकन है, ये एक स्पेशल है इनका लेवल का, बेसिकली जो हम लोग पासवर्ड रिट्रीव के लिए वो होता है ना, फॉरगॉट पासवर्ड ईमेल जाती है वगैरह, वो इसमें बिल्ट इन फंक्शनलिटी मिलती है, उसके लिए इसने रखा हुआ, बाकी ये वैर कैट टाइप का ही है, ठीक है। उसके बाद आती है टाइम स्टैम्प्स। ये टाइम स्टैम्प्स क्या होती हैं, ये टाइम स्टैम्प्स आपके दो फील्ड क्रिएट करती हैं, एक आपका क्रिएटेड डेट, एक आपका अपडेटेड डेट, दोनों डेट टाइम टाइप के फील्ड्स होते हैं। और जो आपका लेवल, जो मैंने आपको बताया था ना मॉडल में टाइम स्टैम्प फॉल्स किया था हमने, अगर वो आप फॉल्स नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली आपको, मतलब आपको ये बनाने पड़ते हैं और वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। जब आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो तो क्रिएटेड एड सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली ये लेवल डाल देता है, और जब आप उसको अपडेट करते हो तो अपडेटेड एड भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, है ना। फिर अगर आपको कहीं चाहिए तो आप उसको रिट्रीव करके दिखा सकते हो, जैसे ब्लॉग की हम लोग बात करें, पोस्ट तो कब क्रिएट की थी और कभी उसमें अपडेट किया बाद में जो उसका ऑथर है उसने, तो वो अपडेटेड डेट का भी लास्ट अपडेटेड ऑन दिस दिस डेट आप दिखा सकते हो। इस टाइप से जो भी, अगर नहीं चाहिए तो आप इसको हटा दो, मतलब ये अवेलेबल है अगर चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल मिला के एक स्कीमा क्रिएट की, एक टेबल क्रिएट की नहीं तो यहाँ, और जो डाउन फंक्शन है इसमें हम इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स यानी कि यहाँ पे हम लोग स्कीमा ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इन सारे फील्ड्स के साथ और यहाँ पे हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की ये स्कीमा है, और इसको बनाने के लिए मैं आपको बताऊँ, बनाने से पहले मैं आपको क्रिएट इसको यूज़ कैसे करता हूँ। आपने यहाँ पे कोड तो लिख दिया लेकिन अभी तक आपकी टेबल बनी नहीं है, मैं आपको डाटाबेस दिखाऊँ। हम लोगों ने इसमें कनेक्ट किया हुआ था L5 टेस्ट, हमने कस्टमर्स नाम की टेबल बनाई थी, फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कस्टमर्स आ रही हैं टेबल, ठीक है। और इसको अब ये टेबल बनानी है हमें, तो क्या करना है, हमें कमांड लाइन पे जाना पड़ेगा,
मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, एप्लीकेशंस, मैम, htdocs और L5, ठीक है। उसके बाद PHP आर्टिसन, आप जानते हो आर्टिसन मैंने पहले बताया था, इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं। इसमें कमांड है आपके पास माइग्रेट, MIGRATE, PHP आर्टिसन माइग्रेट। आप इसको एंटर करोगे तो ये रन हो जाते हैं। देखिए, माइग्रेशन टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। सबसे पहले एक ही अपनी टेबल बनाता है माइग्रेशंस की, जिसमें ये रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी माइग्रेशन रन हो गई, कौन सी नहीं हुई, है ना, तो और अभी आप कहाँ पे हो, वो सारी। और एक सेकेंड, चलो खैर, वो उसमें उसका रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, हम लोग इसमें रोल बैक भी करते हैं। इसमें मैंने बताया ना कि एक बार आपने कुछ चेंज कर दिया फिर वापस जाना है, वो भी बताऊंगा। पहले भी हम लोगों ने जब ये रन की तो ये दो टेबल्स क्रिएट हो गई। सबसे पहले इसने क्रिएट की अपनी एक टेबल, तीन हो गई टोटल। सबसे पहले माइग्रेशन टेबल क्रिएट करता है ये कि कौन कौन सी रन हो गई हैं, नहीं हुई हैं, उनका स्टेटस रखता है उसमें। उसके बाद आपने जो डिफाइन किए क्रिएट यूजर्स टेबल, वो रन हो गई, वो आपकी टेबल बन गई होगी। और दूसरी आपकी क्रिएट पासवर्ड रीसेट्स टेबल, ये भी बन गई होगी। ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें है क्या। क्रिएट पासवर्ड रीसेट्स टेबल, इसमें आपके तीन फील्ड्स बन रहे हैं, एक ईमेल, एक टोकन और एक क्रिएटेड एट। और डाउन में फिर सेम सिंपल वही है कि ड्रॉप टेबल, क्योंकि जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो उसका रिवर्स क्या होगा, टेबल ड्रॉप। जब आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, मान लीजिए आपने कॉलम ऐड किया तो उसको आप यहाँ पे कॉलम ड्रॉप करोगे। अगर आपने यहाँ पे कुछ रीनेम किया, मान लीजिए कॉलम का नेम था ईमेल, उसको आपने नई माइग्रेशन बनाई उसमें चेंज कर दिया ईमेल एड्रेस, और उसका जो रिवर्स करोगे आप, उसमें आप क्या लिखोगे, रीनेम ईमेल एड्रेस टू ईमेल, समझ गए, इस तरह से। मतलब जो आप अप में कर रहे हो वो आप डाउन में कर रहे हो, उसका रिवर्स आप डाउन में कर रहे हो, उसका उल्टा, ताकि वो पहले जैसा हो जाए। इस रन होने से पहले जैसा था वैसा इसको रन करने से हो जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको डाटाबेस, हमने रन कर दिया ना, मैं अभी यहाँ पे फिर से शो टेबल्स करता हूँ। देखिए, माइग्रेशंस बन गई है, कस्टमर्स बन गई है, पासवर्ड रीसेट्स और यूज़र्स, हमारी सारी टेबल्स बन गई हैं, ठीक है। और इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन यूज़र्स, इसमें फील्ड बना है आईडी, इंटीजर, अनसाइंड, ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की, प्राइमरी की मैंने नहीं बताया था, सॉरी, ठीक है। उसके बाद नेम वेरकैट 255, ईमेल वेरकैट 255 और यूनिक भी है, अरे यूनिक भी है, ठीक है। फिर पासवर्ड है वेरकैट 60, हम लोगों ने 60 करेक्टर्स वहाँ पे डिफाइन किए थे। और रिमेंबर टोकन है वेरकैट 100, क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प, अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से अगर आप कौन कौन सी टेबल्स थी हमारी, इस तरह से दूसरे आप करके देखो, पासवर्ड रीसेट्स, तो ये भी वैसे ही बनी होगी, ठीक है। ये देखिए, ईमेल, टोकन, क्रिएटेड एट, इसमें डिफॉल्ट इसने दिए हैं टाइम स्टैम्प, करंट स्टैम्प, जो आपने देने, जो आप देना चाहो। यहाँ पे इंडेक्स दिया था तो उसके इंडेक्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सारी की सारी, अगर आपकी इसकी डिटेल्स आपको चाहिए तो आपको लेवल की डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो मैं यहाँ पे शायद नहीं कर पाऊँगा। स्लैश माइग्रेशंस, माइग्रेशंस हैं ये, डाटाबेस माइग्रेशंस, और ये आपको मिलती हैं यहाँ पे, डाटाबेस माइग्रेशंस कौन कौन से अवेलेबल हैं नीचे मिलेंगे इसमें, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर, रोल बैक, राइटिंग माइग्रेशंस, ड्रॉपिंग टेबल्स, ठीक है। अवेलेबल कॉलम टाइप्स, किस किस टाइप के कॉलम आप बना सकते हो, क्या क्या उसमें आप दे सकते हो, सारे की सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगे। मीडियम टेक्स्ट, मीडियम इंटीजर, मैक एड्रेस, लॉन्ग टेक्स्ट, जेसन, आईपी एड्रेस, इंटीजर, इंक्रीमेंट्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, टाइम, टाइम जोन, टाइनी इंटीजर, UUID, सब कुछ सारे आपको मिलेंगे। उसके बाद मॉडिफायर्स जो हैं, फर्स्ट, आफ्टर, किसी कॉलम के बाद
नेक्स्ट कॉलम बनाना है तो उसके बाद ये वाला कॉलम बनेगा। नलेबल है अगर बाय डिफ़ॉल्ट सारे जितने इसमें कॉलम्स क्रिएट होते हैं वो नॉट नल होते हैं, अगर आपको किसी को उस पर नल करना है तो यहाँ स्पेसिफाई नलेबल करना पड़ता है। कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो ऐसे देते हो, अनसाइंड इंटीजर को बनाना है तो ऐसे करते हो, उसमें कोई कमेंट्स ऐड करने हैं इस तरह से, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, ये सारे फंक्शंस आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं, मैं माइग्रेशन रन की और हमारे यहाँ पे टेबल्स क्रिएट हो गई। अब एक इसको मुझे रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, तो करते हैं हम लोग आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक। अब आप फिर से जाओ अपने डाटाबेस में, ये हमारी टेबल्स जो हैं ड्रॉप हो चुकी होंगी, शो टेबल्स सिर्फ कस्टमर्स और माइग्रेशंस, कस्टमर हमारी पहले ही बनी हुई थी और माइग्रेशंस एक बार बन गई तो ड्रॉप नहीं होती, उसी में तो वो रिकॉर्ड रखता है ना, आपने जो जो माइग्रेशंस क्रिएट की थी वो डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, डिलीट क्या होती है, बेसिकली ये वाला फंक्शन रन होता है जब आप माइग्रेट करते हो तो ये वाला फंक्शन रन होता है अप, और जब आप रोल बैक करते हो तो ये वाला फंक्शन रन होता है डाउन। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट है, अगर आपको कभी दोनों चीज़ें साथ में रन करनी है ना, मान लीजिए आपने एक माइग्रेशन क्रिएट की और उसमें कुछ चेंज करना था, गलती से क्रिएट कर दिया उसको चेंज करना था, मतलब इसी के हम लोग बात ले लें, ईमेल की जगह हमने ईमेल एड्रेस करना था, ये एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको रन करते हैं माइग्रेट। ठीक है, हमारी टेबल्स क्रिएट हो गई, एक्सप्लेन पासवर्ड रीसेट्स, और यहाँ पे हमारा ईमेल और टोकन भी क्रिएट हो गया। तो मुझे याद आया यार ये ईमेल नहीं, ईमेल एड्रेस होना चाहिए था, फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, ईमेल एड्रेस मैंने कर दिया फिक्स। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उसको रोल बैक करना है और फिर से माइग्रेट करना है, तो उसका एक शॉर्टकट है माइग्रेट रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या करेगा, पहले रिवर्स कर, रोल बैक करेगा फिर और फिर से माइग्रेट कर देगा। ये देखिए, पहले रोल्ड बैक दो बार और फिर माइग्रेटेड माइग्रेटेड। आप अपने डाटाबेस पे जाओ, एक्सप्लेन पासवर्ड रीसेट में फिर से रन करता हूँ, तो देखिए ईमेल की जगह ईमेल एड्रेस हो चुका है। तो इसमें अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितना इजी हो जाता है माइग्रेशंस को यूज़ करना, माइग्रेशन के साथ डाटाबेस को मैनेज करना। ठीक है, और ये चीज़ आप एक चीज़ का ध्यान रखें, ये रिफ्रेश आप प्रोडक्शन सर्वर पे यूज़ मत करना, क्योंकि अपने पास तो ठीक है आपने कर लिया, जब आपका लाइव चला गया सर्वर, लाइव हो गया, वैसे तो बताने वाली बात नहीं लेकिन फिर भी, जब आपका सर्वर लाइव हो गया तो उसके बाद आप अगर किसी यूज़र ने अकाउंट बनाया तो ये टेबल ड्रॉप कर रहा है फिर से क्रिएट कर रहा है, यानी कि जब अगर किसी ने अकाउंट बनाया है तो उसका अकाउंट भी मतलब चला जाएगा, आपका टेबल का जो डाटा है सारा डिलीट हो जाएगा। अभी इसमें कुछ डाटा नहीं है इसलिए हम लोग रिफ्रेश रन कर रहे हैं, नहीं तो आप क्या करोगे, एक नई माइग्रेशन क्रिएट करोगे। माइग्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो बताता हूं, आप यहीं पे PHP आर्टिसन मेक, मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे हम लोगों ने मॉडल क्रिएट किया वैसे हम लोगों ने कंट्रोलर क्रिएट किया, वैसे हम लोग यहाँ पे माइग्रेशन करते हैं, मेक माइग्रेशन मिसिंग नेम, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पे इसको आपको नाम देना है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं कई बार, इसका नाम देना है जिस नाम से ये फाइल क्रिएट होगी। मान लीजिए हमने इसमें नई टेबल ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, टेबल ऐड नहीं करते हम लोग, एक कॉलम ऐड करते हैं, एक और चीज़ नया मेथड भी आ जाएगा उसमें, माइग्रेशन ऐड कौन सा कॉलम इसमें नहीं है, ईमेल है, पासवर्ड है, नेम है, फ़ोन नंबर हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी यूजर्स टेबल है उसमें हम लोग एक फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं, ऐड फ़ोन नंबर। ये जो नाम दे रहे हैं हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो वही देना है, लेकिन आप दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको देखते ही समझ आ जाएगा फाइल नेम से कि इसमें क्या हो रहा है, जब आप रन करोगे तब भी दिख जाएगा कि हाँ ये हुआ है। ठीक है, तो ऐड फ़ोन नंबर करेंगे तो मतलब रेलिवेंट ही होना चाहिए ना, कुछ और नाम रखने से क्या फ़ायदा। क्रिएटेड माइग्रेशन 2016/6/26, यानी कि आज की डेट, ये जो होता है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपने नाम नहीं दिया लेकिन ये जो होता है ना, ये टाइम स्टैम्प होती है जब वो माइग्रेशन क्रिएट हुई, इसी टाइम स्टैम्प से ये ट्रैक करता है कि कौन सी पहले रन करनी है कौन सी बाद में रन करनी है। ठीक है, और जितनी बार हम लोग माइग्रेट करेंगे उतनी बार हम लोग रोल बैक भी कर सकते हैं, तो आप
समझ जाओगे जब आप यूज़ करोगे, मैं आपको बताता हूँ ठीक है। ये टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली ऐड करता है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये इसी से ट्रैक होता है कि जब वही कि कौन सी टेबल पहले क्रिएट करनी है, कौन सी बाद में क्रिएट, कौन सी पहले रन करनी है, कौन सी बाद में रन करनी है ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे को एक नई माइग्रेशन मिलेगी ऐड फोन नंबर। ये ब्लैंक है, ब्लैंक इन द सेंस इसमें बॉयलर प्लेट है जो कि ये मतलब रूटीन का है। इसमें आपको अप और डाउन फंक्शन में खुद डिफाइन करना है। तो यहाँ आप कैसे करोगे, स्कीमा रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जब आपको नई टेबल क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट करते हो मेथड, और जब आपको एग्जिस्टिंग में कुछ चेंज करना है तो आप टेबल यूज़ करते हो मेथड का नाम, टेबल मेथड यूज़ करते हो। बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ आप टेबल का नाम देते हो यूज़र्स, और सेम फंक्शन ब्लूप्रिंट टाइप इंट डॉलर टेबल, और इसके अंदर टेबल जो भी आपको कॉलम ऐड करना है, इंक्रीमेंट स्ट्रिंग रिमेंबर या कुछ हो कोई और भी, जैसे मैंने आपको और यहाँ दिखाया जो जो भी आपको अवेलेबल है, जो भी आपको करना है, जेसन है, हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है फ़ोन नंबर। तो उसके लिए बिग इंट होगा, देखिए बिग इन टीचर, बिग इन टीचर में मेरे ख्याल से 10 डिजिट फ़ोन नंबर प्यार से आ जाते हैं, या फिर आप स्ट्रिंग कर लो। हालांकि ज़्यादातर वायर कैर ही सूट रहता है, सूटेबल रहता है फ़ोन नंबर के लिए, तो स्ट्रिंग कर लेते हैं फ़ोन नंबर ठीक है। और यहाँ पे आपको उसका रिवर्स करना है, स्कीमा टेबल यूजर्स फंक्शन टेबल ड्रॉप कॉलम और उसका नाम फ़ोन नंबर। ड्रॉप कॉलम ही होता है मेरे ख्याल से, मैं एक बार देख लूँ, ड्रॉपिंग कॉलम्स मेथड का, हाँ ड्रॉप कॉलम यही है। कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा तो पाला पड़ता नहीं ना, कहते हैं ज़्यादा तो यूज़ करना नहीं होता, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इसलिए याद नहीं रहती ये चीज़ें ठीक है। ये ड्रॉप कॉलम हमने यहाँ क्या किया, एक टेबल सॉरी यूज़र्स टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड कर दिया, और डाउन में उसका रिवर्स उसी कॉलम को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। अब हम लोग माइग्रेट करते हैं पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट, माइग्रेटेड ऐड फोन नंबर। यहाँ जाके हम लोग देखेंगे एक्सप्लेन यूजर्स, इसमें फ़ोन नंबर ऐड हो गया फायरकैट 255 का ठीक है। लेकिन अब मुझे याद आया कि यार मैंने ना इसको तो नलेबल करना था, ज़रूरी नहीं है कि मैंने सबसे फ़ोन नंबर लेना है, ज़रूरी नहीं है फ़ोन नंबर लेना, ब्लैंक भी छोड़ सकता बंदा। लेकिन यहाँ पे देखो नल नो है, यानी कि अगर नल इंसर्ट करेंगे तो एरर आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, फटाफट से हम लोग इसको रोल बैक करेंगे ठीक है, और इसके साथ चेंज कर देंगे नलेबल ठीक है इस तरह से, और फिर से इसको रन कर देंगे माइग्रेट। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या माइग्रेट तो कर दी हमने, ओह सॉरी गलत कर दिया ना, मैंने ड्रॉप में लगा दिया यार, मैं भी कैसे कैसी हरकतें कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ लगाना था अप में, फिर से मुझे रोल बैक करना है और माइग्रेट करना है। फिर से एक्सप्लेन करते हैं, देखिए यहाँ पे नल यस, अब इसने नल अलाउ कर दिया। तो इस तरह से आप माइग्रेशंस यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल है और मैं तो हमेशा यूज़ करता हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें आप यूज़ करोगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें मैंने आपको बताया, इसमें आप डेटाबेस इंजन यूज़ कर सकते, चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका वो होता है, क्या नाम है उसका इंजन का यार, अब मुझे नाम याद नहीं आएगा। बेसिकली उसमें ट्रांजेक्शन्स जो बाय डिफ़ॉल्ट इंजन होता है ना MySQL का, उसमें माइग्रेशन सपोर्टेड नहीं होती। माइग्रेशंस करनी है तो आपको INODB टाइप की टेबल बनानी पड़ती है,
इंजन उस पर डिफाइन करना पड़ता है। तो वो आप यहाँ पे टेबल, सॉरी फिर मैं डाउन में चला गया, स्कीमा अप में करना है हमें। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं नॉर्मली तभी कर देते हैं, इंजन INODB, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। मैंने सिर्फ़ आपको बतानी है, क्योंकि ये सब कुछ मैं करने लगूंगा तो वैसे ही बहुत टाइम लग जाएगा सिर्फ माइग्रेशंस पे। एक बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि होती क्या है माइग्रेशंस, कैसे यूज़ करते हैं। बाकी आप यूज़ करो, समझो, और मुझे भी कुछ समझाओ कुछ नया मिले तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और हमारे नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।